आजकल हमने देखा है कि स्टूडेंट्स काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं कुछ OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाले वेब सीरीज़ में, यानी बहुत सारे ऐसे, मैं वेब सीरीज़ का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि आजकल स्टूडेंट्स ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं OTT प्लेटफॉर्म की सीरीज़ देखने में। उन सीरीज़ में काफ़ी रीनोन या काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ में एग्जामिन करने वाले लोग या CBI ऑफिसर्स या फिर इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट्स, इस तरह की चीज़ों को दिखाया जाता है। सो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स भी ये सोचते ही होंगे कि हम भी इस तरह का काम कर सकते हैं या नहीं। एंड फिर हमने ये ऑब्जर्व भी किया है कि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अपना माइंड उस तरह से चलाना शुरू भी करते हैं जहाँ पे वो इन्वेस्टिगेटिव लगे या जहाँ पे वो एग्जामिन करने वाले या उस तरह की चीज़ों को करने में इंजॉय करते हैं, अपना माइंड शार्प करते हैं एंड इसी को अपना करियर बनाने की कहीं ना कहीं एक डिसीजन भी माइंड में लेकर आते हैं। तो क्या सीरियसली ऐसा कोई करियर बन सकता है क्या? सो ऑफकोर्स येस, आपने टाइटल में तो देखा ही होगा, आज हम एक ऐसा करियर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर, CFE इसे हम बोलते हैं। सो सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर यानी जो ऐसे डिपार्टमेंट में, ये जो सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर होते हैं ये प्राइवेट कंपनीज में भी जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज में, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं एंड इनका टोटल जो वर्क प्रोफाइल होगा या जॉब प्रोफाइल होगा वो इस तरह के वर्ड से रिलेटेड ही होगा, इन्वेस्टिगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड देन एग्जामिन करना, एनालाइज करना, कुछ चीज़ों को होने से प्रिवेंट करना, प्रिकॉशंस देखना, इन तरह की चीज़ों को। तो आज समझ लेते हैं कि CFE करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगती है। उससे पहले, हाय, दिस इज साइमा शेख, अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर, IIKD के इस न्यू क्रॉसरोड सीरीज में आप सबका स्वागत करती हूँ। सो नाउ, CFE बनने के लिए क्या क्राइटेरिया लगता है? सबसे पहले तो CFE हर वो 12th पास स्टूडेंट कर सकता है जिसके पास 2 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस हो एक रेलेवेंट कंपनी में, वरना आजकल काफ़ी स्टूडेंट्स बैचलर डिग्री तो परस्यू करते ही हैं, मोर देन 90% स्टूडेंट्स बैचलर डिग्री परस्यू करते ही हैं। सो CFE करने के लिए कंपलसरी है कि या तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और या तो आपके पास टू ईयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस एक रेलेवेंट फील्ड में और एक रेलेवेंट इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए। रेलेवेंट फील्ड से मेरा मतलब है इन्वेस्टिगेटिव फील्ड या इस तरह के एग्जामिनेटिव फील्ड में ही आप इसमें ये कर सकते हो। नाउ, इसमें कुछ एडवांटेजेस पॉइंट्स भी आते हैं CFE में, जैसे इसके एग्जाम्स किसके अंडर कंडक्ट होते हैं। सो इसके एग्जाम्स जो है वो ACFE के अंडर कंडक्ट होते हैं, यानी एसोसिएशन फॉर सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स, ACFE के अंडर इसका आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 4 exams इसके होते हैं, 4 exams इंक्लूडेड है 100 marks ऑफ ईच में, जहाँ पे आप 75% लेकर आ सकते हो, पासिंग रेशियो रहता है एंड ये एग्ज़ाम MCQ पैटर्न पे होता है, ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन से मेरा मतलब है कि येस, आप अपने घर बैठे बैठे भी इसको दे सकते हो। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट रहेगा या सिक्योरिटी चेक रहेगा वो किस तरह का होगा कि सपोज़ आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन MCQ पैटर्न पे ये एग्ज़ाम दे रहे हो, ओपन कर रहे हो, तो URL जो है यानी आपका जो पेज है वो सिक्योर्ड है कि नहीं वो देखा जाएगा, यानी वो ट्रैक करते हैं कि सेम ब्राउज़र सेम टैब में आप कहीं और जाके कुछ सर्च करके तो इसके जवाब नहीं, आंसर्स नहीं दे रहे हो, तो ये इस तरह की चीज़ों को ट्रैक करते हैं एंड उतना सिक्योरिटी के साथ आपका ये एग्जाम वहाँ पे कंडक्ट होता है। तो ये आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन भी दे सकते हो। ऑल्सो इसके कोई पर्टिकुलर सेशंस या टाइमिंग नहीं है, आप 1 at a time या फिर 4 बैक टू बैक विद इन 15 days, विद इन 1 month का गैप रख के भी आप दे सकते हो। 4 exams इसमें होते हैं, उसका मैं टॉपिक भी आपको बताती हूँ। 4 areas ये कवर करता है, जैसे फ्रॉड प्रिवेंशन एंड डिटरेंस, यानी सबसे पहले तो प्रिवेंट करेंगे उसको, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फ्रॉड स्कीम्स, इन्वेस्टिगेशंस एंड लॉ, इस तरह के 4 areas को ये कवर करता है। सो यहाँ पे आप एक बैचलर डिग्री रख के भी इसको कर सकते हो, नहीं तो फिर आपके पास एक 2 years ऑफ वर्किंग रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए जा सकते हो। सो अगेन बात करेंगे कि क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है कि आप एक अच्छे CFE बन सको या फिर एक अच्छे एग्जामिनर बन सको। सो एज आई सेड कि आपका कम्युनिकेशन स्किल या एनालिटिकल स्किल जो है वो स्ट्रांग होना ही चाहिए, बट साथ ही साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका लीगल नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए, आपके पास कुछ टेक्निकल स्किल्स भी होने चाहिए, इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट, शार्प एंड स्मूथ एट द सेम टाइम, ये सारे क्वालिटीज़ आपके अंदर होने चाहिए एंड एथिक्स
यानी एक एग्जामिनर जो होता है या एक इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट ऑफिसर जो होता है वो काफ़ी एथिक्स वाले होते हैं, तो आपके अपने सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जो आपकी कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को मीटअप कर रहे हैं, एंड आप अपने एथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करने चाहिए, राइट? सो नाउ सैलरी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें? देखिए, आप CFE करने के बाद विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया दोनों जगह जॉब कर सकते हैं। अब्रॉड में भी कंपनीज हैं या एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 9 to 13 lakhs के बीच में आपको पैकेज मिलता है, अगर मैं दोनों की बात करूँ, ग्लोबली इंटरनेशनली उसकी बात करूँ तो। वरना अगर आप इंडिया से ही करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, लोकली अपने सिटी से करियर इसके रिगार्डिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम 4 to 5 lakh का पैकेज एज अ स्टार्ट मिलता है, एंड बढ़ते बढ़ते या उसका ग्रोथ आप देख सकते हो कि 20 lakhs तक भी चला जाएगा। अगेन यहाँ पर डिपेंड करता है सब कुछ आपके इंटरव्यू पर। मैं अपने हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि आपका जो पैकेज है वो आपके एक्सपीरियंस रेलेवेंट कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका अपडेटेड नॉलेज या आपका स्किल मार्केट के अकॉर्डिंग कितना अपडेटेड है और कितना शार्पली आप अपना इंटरव्यू देते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना इम्प्रेसिव आपका इंटरव्यू होगा और जितना अच्छा आपका इंटरव्यू होगा और जिस हिसाब से आप इंटरव्यू में डिमांड करोगे, तो उस हिसाब से आप अपना सैटिस्फैक्ट्री सैलरी यहाँ पे देख सकते हो। नाउ देख लेते हैं कि किस तरह की कंपनीज एक CFE को रिक्रूट करती है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे आप अपने आप को पोजीशन कर सकते हो, यानी यहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। जैसे बैंक है, क्रेडिट यूनियंस हैं, और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं जहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव फाइनेंशियल ऑफिसर्स या मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अकाउंटिंग फर्म्स होते हैं, पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स होते हैं, फ्रॉड प्रिवेंशन अकाउंटिंग फर्म्स होते हैं, तो यहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हो। गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक RBI, SBI, फेडरल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, इस तरह के सेक्टर्स में भी आप जॉब कर सकते हो। हेल्थ केयर है, हाउसिंग है, यानी फ्रॉड एग्जामिनर एक ऐसा जॉब टाइटल है या एक ऐसा करियर है जहाँ पे हमें इस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए लोग लगते ही हैं, रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो हर तरह के सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं, जैसे हाउसिंग है, हेल्थ केयर है, प्रोक्योरमेंट है, कॉपरेशंस हैं, लीगल कॉपरेशन फर्म्स होते हैं, प्रिवेंटेशन फर्म्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, लीगल डिपार्टमेंट होते हैं हर एक कंपनी में, एंड एग्जैक्ट लॉ फर्म में भी आप जॉब कर सकते हो, एंड कंसल्टिंग फर्म्स, ऑफ कोर्स कंसल्टिंग फर्म्स में भी आप जॉब कर सकते हो। सो लास्टली देख लेते हैं कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले तो हमने ओवरऑल वीडियो का कंक्लूजन निकाल ही लिया है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में सबसे पहला तो आएगा कि फ्रॉड को कैसे आपको प्रिवेंट करना है, या फिर उसका जो रिस्क है उसको किस तरह से रिड्यूस कर करके कम्प्लीटली मिनिमाइज़ करना है। फ्रॉड डिटेक्शन, उसे डिटेक्ट करना, डिटेक्ट कैसे करेंगे आप, तो उसको एनालाइज करना, आपका एनालिटिकल स्किल यूज़ करना, इन्वेस्टिगेटिव एंड टेक्निक्स को यूज़ करके इन्वेस्टिगेशन करना, यानी इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट करना, इंटरोगेटिव क्वेश्चंस गैदर करना, एविडेंसेस निकालना, एंड उसको फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करना या मैनेज करना। रिस्क असेसमेंट, असेसिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड जो वेरियस एरियाज़ में ऑर्गेनाइजेशंस में होने वाले हैं या हो चुके हैं, उनका रिकमेंडेशंस निकाल के उसको इम्प्रूव करना, कंट्रोलिंग मेजर्स देना, कंप्लायंसेस रेलेवेंट लॉज के साथ या रेगुलेशंस के साथ उसको कंप्लायंस करना, देन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना टू दी अदर एम्प्लॉयज़ जो आपके टीम में हैं या जो आपके पीयर्स हैं उनको, कोलैबोरेट करना अदर डिपार्टमेंट्स जैसे कि लीगल डिपार्टमेंट्स हैं, कंप्लायंस डिपार्टमेंट है, ऑडिट डिपार्टमेंट है, इन सब के साथ कोलैबोरेट करके ये इंश्योर करना कि जो रिस्क है वो इफेक्टिवली आपने मिनिमाइज कर दिया है या मैनेज किया है अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन, कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग उसके लिए यू नो इक्वली मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। टेस्टिफाई करना एंड कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट करना यानी वेरियस स्टेक होल्डर्स होंगे, मैनेजमेंट इंक्लूडेड रहेंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज रहेंगे या एक्सटर्नल ऑडिटर्स रहेंगे, इनका सबके साथ कम्युनिकेट करना और उनको यू नो सैटिस्फैक्ट्री रिजल्ट या सैटिस्फैक्ट्री आंसर्स देना। सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो CFE का जो रिस्पॉन्सिबल है वो अगेन प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड इन्वेस्टिगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड के रिगार्डिंग, एंड इसमें CFE को अपने जो तीन स्किल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग रखने पड़ेंगे, एनालिटिकल स्किल, इन्वेस्टिगेटिव स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल।
डेजिग्नेशन की बात करूँ तो कोई पर्टिकुलर डेजिग्नेशन है नहीं, अकॉर्डिंग टू दी कंपनी या सेक्टर या डिपार्टमेंट यहाँ पे डेजिग्नेशन जो है वो वेरी कर सकते हैं, बट सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर का जो डेजिग्नेशन है वो काफ़ी रिस्पेक्टफुल है, डिग्निफाइड है एंड काफ़ी नोन है, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं या लोग यू नो अपना एक ये ड्रीम समझते हैं कि इस तरह का डेजिग्नेशन उनका भी होना चाहिए। नाउ ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप ग्रोथ अपना यू नो अच्छा खासा देख सकते हो एज अ यू नो आप स्टार्ट इसका इसके करियर में एज अ स्टार्ट आप लग सकते हो एंड देन कंपनी टू कंपनी या सेक्टर टू सेक्टर वेरी करके अपना ग्रोथ फ्रॉम जूनियर पोजिशन टू हायर अपर मैनेजमेंट या मैनेजमेंट पोजिशन तक आप देख सकते हो। सो आई होप कि आज मैंने आपका CFE से रिलेटेड जितने भी डाउट्स या क्वेरीज थे, सबसे पहले तो ये जो करियर है वो काफ़ी यूनिक है या फिर आजकल इतना अवेयर नहीं है एंड आने वाले डेज में ऐसे भी बोला जा रहा है कि कुछ अदर डिपार्टमेंट्स हैं जो इन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वर्कर्स हैं उनको हो सकता है ओवरटेक करें, ले ऑफ हो जाए, बट ये सारी चीज़ें आप देख लेना। ऑफकोर्स आप अपना स्किल अपडेटेड रखोगे, नॉलेज अपडेटेड रखोगे तो कभी आप मार्केट से अपडेटेड नहीं होगे या ले ऑफ नहीं किए जाओगे। सो अकॉर्डिंगली काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप देख के करो। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा और कितने टाइम में आप कर सकते हो। सो एज आई सेड कि ये ऑनलाइन होगा तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने टाइम में इसको कम्प्लीट कर सकते हो। फीस की मैं अगर बात करूँ तो फीस भी वेरी करता है, टाइम टू टाइम एंड पीरियड टू पीरियड डिफर करता है। आज की डेट में जब आप वीडियो देख रहे हो अगर उस डेट में मैं आपको बताऊँ तो एवरेज इसके कंप्लीट करने के लिए 60-70,000 का खर्चा आ जाता है, जहाँ पे ACFE के अंडर ही आप रजिस्टर करोगे, सर्टिफिकेशंस पाओगे, वहाँ से आपको बुक्स दिए जाएंगे, ऑनलाइन मटेरियल ऑफलाइन मटेरियल दोनों मिलता है आपको एंड आप घर पर सेल्फ स्टडी के थ्रू भी ये कर सकते हो। सो इन सब का पैकेज एक नियरली आपको 60-70,000 तक लेकर जाता है। लास्टली अगेन आई होप कि आज मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। इफ नॉट देन डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें बता सकते हैं कि आपको और क्या क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं या आपको और किस चीज़ का डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऐसे ही हमारे बहुत सारे वीडियोस क्रॉस रोड के आते रहते हैं एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे इन बोथ द लैंग्वेजेस हिंदी इंग्लिश एंड मराठी। सो अगर अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको नोटिफाई करते रहे हम एंड हमारे और भी कॉमर्स रिलेटेड साइंस रिलेटेड आर्ट्स रिलेटेड वीडियोस इसी चैनल पे अपलोडेड हैं, वो भी देखिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। सो साइनिंग ऑफ टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।